हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप जानते हो कि हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा पढ़ रहे थे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा में हमने कितने मेथड्स पढ़ लिए थे? थ्री मेथड्स हम कवर कर चुके थे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, नेक्सस इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, नेक्सस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पोंडेंट, एंड नेक्स्ट मेथड है बेटा इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। ठीक है, तो आपको पता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में हमने क्या बताया था कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो पर्सनली मिलता है इन्फॉर्मेंट से और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो इन्फॉर्मेंट से ना मिलके विटनेस से मिलता है, ठीक है, और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट था बेटा, हमने क्या किया था, जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड है वहां पे हमने क्या किया, जो भी लोकल पर्सन्स थे उनको अपॉइंट कर दिया और वो अपने अपने एरियाज से इंफॉर्मेशन भेजेंगे और इन्वेस्टिगेटर जो है वो उनको उनसे कंक्लूजन निकालेगा। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, ये जो है बेटा इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो क्वेश्चनरी बनाता है और क्वेश्चनरी बना के दो तरीके से क्वेश्चनरी को जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स होते हैं उनके पास भेजता है। एक होता है बेटा मेलिंग मेथड और एक होता है एनुमरेटर्स मेथड। तो बेटा आज जो हम करेंगे इस वीडियो में, हम जस्ट क्या पढ़ेंगे, मेलिंग मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो मेलिंग मेथड में क्या होता है बेटा, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स। क्या होता है बेटा, क्वेश्चनरीज जो होती है उसको किसके पास मेल किया जाता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास मेल किया जाता है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एन इंक्वायरी इज कॉल्ड क्वेश्चनरी। क्या किया बेटा, जो इन्फॉर्मेंट्स है वो क्या करता है, जो भी उसको इंक्वायरी करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेता है, उस लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, क्वेश्चनरी बोलते हैं। दिस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड ए स्पेस फॉर ईच आंसर। क्या होती है बेटा, हर एक आंसर के लिए स्पेस प्रोवाइड की जाती है उसी क्वेश्चनरी में, क्वेश्चन के नीचे आंसर के लिए स्पेस छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो क्या था इस मेथड के अंदर, क्या होता है बेटा, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, पहले क्वेश्चनरी बनाता है, जो भी उसकी इंक्वायरी का जो फील्ड होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, क्वेश्चन सेट करता है, और जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होती है, क्वेश्चनरी होती है। इस लिस्ट में क्या होता है बेटा, आंसर्स के लिए स्पेस छोड़ दी जाती है और उस क्वेश्चनरी को मेल के द्वारा कहां तक पहुंचाया जाता है, इन्फॉर्मेंट्स के पास। इन्फॉर्मेंट्स कौन होते हैं, जिनसे इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, नेक्स्ट है बेटा इसमें क्वेश्चनरीज आर सेंड टू इन्फॉर्मेंट्स बाई पोस्ट, है ना बेटा, कैसे भेजेंगे, पोस्ट के द्वारा भेजेंगे, है ना, इंटरनेट से भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विद ए रिक्वेस्ट टू आंसर, वो क्या करेगा, उसमें जो इन्वेस्टिगेटर है बेटा वो रिक्वेस्ट करेगा किनसे, इन्फॉर्मेंट से, कि वो क्या करे, उनमें आंसर फिल करे एंड रिटर्न इट विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम, और उसको क्या किया कर दिया जाए, एक स्पेसिफाइड टाइम में रिटर्न कर दिया जाए। ठीक है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड यूज्ड दीज डेज बाय इंडिविजुअल्स। ये बेटा सबसे पॉपुलर मेथड है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आज के दिन इंडिविजुअल्स के द्वारा। इस मेथड की जो सक्सेस होती है बेटा, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द कॉपरेशन दैट द इन्फॉर्मेंट इज प्रिपेयर टू एक्सटेंड एंड द मैनर इन विच द क्वेश्चनरी इज ड्राफ्टेड। अब बेटा देखो, इसकी जो इस मेथड की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि इन्फॉर्मेंट्स जो है वो कितना कोऑपरेट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आंसर्स को फिलअप करके भेजते हैं, है ना, और एक क्वेश्चनरी कैसी बनी हुई है, क्या क्वेश्चनरी जो है वो इन्फॉर्मेंट्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है, नहीं बनी हुई है।
तो ये दो जो है चीजें इस मेथड को सक्सेस करने में हेल्पफुल होती हैं कि क्वेश्चनरी की क्या क्वालिटी है और इन्फॉर्मेंट्स जो है वो क्वेश्चनरी को फिलअप करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इस मेथड की स्टेबिलिटीज। ये मेथड जो है कहाँ पे सूट करेगा, कहाँ पे सुटेबल रहेगा। हमने कहा द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है स्टडी करने का, जहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट हो ही नहीं सकता, बहुत डिफिकल्टी आएगी, बहुत सारे लोग हैं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इतने सारे लोगों से हम कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है बेटा, इन्फॉर्मेंट्स जो है वो एजुकेटेड है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन ही आंसर्स को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेथड कहाँ पे सूट करेगा, जहाँ पे द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड एंड द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। नेक्स्ट है बेटा इस मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स। हर एक चीज की बेटा मेरिट्स भी होती है, डिमेरिट्स भी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस मेथड की मेरिट्स क्या है। ठीक है, मेरिट्स में बेटा सबसे पहले इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता। क्या है, दिस मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम मनी एंड अफोर्ड्स। हमें पर्सनली किसी से जाना नहीं पड़ा, किसी से मिलना नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। जस्ट हमने क्या किया, एक क्वेश्चन भी प्रिपेयर की और इन्फॉर्मेंट्स के पास पोस्ट कर दी ईमेल के जरिए। उससे क्या हो गया, ये मेथड क्या हो गया हमारे लिए, सस्ता भी हो गया, टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया, है ना। टाइम भी ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, हमारा टाइम सेव हो गया, है ना। और क्या हुआ, हमारे एफर्ट्स भी कम लगे। नेक्स्ट होता है बेटा ओरिजिनल। ये मेथड क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्यों होता है, देखो दिस मेथड इज ओरिजिनल एंड देयरफॉर फेयरली रिलायबल। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ड्यूली सप्लाइड बाई द कंसर्न पर्सन देमसेल्फ। बेटा यहाँ पे देखो, इन्फॉर्मेशन जो फिल करके भेजी है वो किस पर्सन ने भेजी है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, ओरिजिनल रहेगी। तो ये मेथड की मेरिट है। नेक्स्ट है बेटा वाइड कवरेज। ये क्या कर सकता है, ज्यादा कवरेज कर सकता है। दिस मेथड अलाउज वाइड कवरेज ऑफ द एरिया ऑफ स्टडी। ये क्या कर सकता है, वाइड एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपकी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स में सबसे पहले लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि इस मेथड की सक्सेस किस पर डिपेंड करती है, एक तो क्वेश्चनरी कैसी है और एक इन्फॉर्मेंट्स कितना इंटरेस्टेड है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। जनरली द इन्फॉर्मेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनरी एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनरी। क्या होता है, जनरली जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते नहीं है क्वेश्चनरी को भरने में, और वो उसको रिटर्न भी नहीं करते टाइम के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है, जो आंसर्स एक तो इनकम्प्लीट रह गए, तो आपका जो स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और सेकंड है कि आप अगर फिल नहीं कर पाए तो फिर जो आपका टारगेट था वो पूरा ही नहीं हुआ, है ना। तो क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो इंटरेस्ट लेते नहीं है। नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, आप सामने बैठे हो किसी पर्सन के तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चनरी में अगर आपने जो क्वेश्चंस डाल दिए वो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे चेंज पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट्स आप चेंज नहीं कर सकते, इमीडिएट चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, इसमें क्या बोलेंगे, दिस मेथड लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी When questions are not properly replied, these cannot be changed to obtain the required information. तो क्या होता है, इससे क्या रहेगा, अगर properly वो reply नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके द्वारा जो जो information जो है वो change नहीं हो सकती, है ना। अगर मान लो सामने वाले person ने अगर आपको reply नहीं किया तो आप अपने question को तुरंत change कर नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा लिमिटेड यूज। एज यू नो वेरी वेल, क्वेश्चनरी वाला जो मेथड है वो कौन किसके लिए सुटेबल रहेगा, जहां पे इन्फॉर्मेंट्स जो है वो एजुकेटेड है। तो आपने क्या कहा, दिस मेथड हैज लिमिटेड यूज ऑनिंग टू द फैक्ट दैट द क्वेश्चनरी कैन बी आंसर्ड ओनली बाय द एजुकेटेड इन्फॉर्मेंट्स। दस दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन द इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड। जब इन्फॉर्मेंट्स जो है वो अगर अनएजुकेटेड रहेंगे तो वो इसका यूज प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बेस्ड, बायस्ड। बायस क्या होता है, भेदभाव। इसमें क्या है, इफ द इंफॉर्मेशन आर बायस्ड देन द इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी बायस्ड। अब देखो बेटा इसमें क्या है, अगर आपने
जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने में बायस्ड कर दिया, भेदभाव कर दिया, तो जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी बायस्ड होगी, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिमेरिट ये भी होती है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बायस्ड हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करता है? इन्फॉर्मेंट पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा लेस एक्यूरेसी। देखो क्या होता है, कंक्लूजन बेस्ड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव ओनली लिमिटेड एक्यूरेसी। दिस इज बिकॉज सम क्वेश्चन मे बी डिफिकल्ट, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट हो कि इन्फॉर्मेंट उनको समझ ही ना पाया हो, और समझ में ना आने की वजह से उसने गलत आंसर फिल कर दिया हो, तो क्या होगा, ये मेथड क्या हो सकता है, लेस एक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, इसकी क्या थी, ये डिमेरिट थी कि एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, जो इन्फॉर्मेंट्स है वो इंटरेस्ट लेते नहीं है, एक लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको तुरंत चेंज करना मुश्किल है क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू पर्सन, एक इसका लिमिटेड यूज है, सिर्फ एजुकेटेड जो इन्फॉर्मेंट्स है वही इसका उनके लिए यूज हो सकता है, अदरवाइज यूज नहीं हो सकता, बायस्ड अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन में भेदभाव कर दिया तो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकती है, और एक लेस एक्यूरेसी हो सकती है अगर इन्फॉर्मेंट्स ने क्वेश्चन ना समझने की वजह से आंसर गलत लिख दिया तो। ठीक है, तो ये था आपका मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड में क्या है, आपको इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो एक क्वेश्चनरी बनाता है, क्वेश्चनरी बना के उसको इन्फॉर्मेंट्स को मेल कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है क्वेश्चनरी कितनी अच्छी बनी है और इन्फॉर्मेंट्स जो है वो कितने एजुकेटेड, कितने इंटरेस्टेड हैं उस क्वेश्चनरी को फिल करने में। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी और मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, तो आप इस मेथड को प्रॉपरली कवर करोगे। ठीक है, यही आज का मेथड। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज एन्यूमरेटर मेथड।